हे गाइज, वेलकम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट वी स्कूल, जिसको आप लोग वेलिंकट बिजनेस स्कूल के बारे में जानते हो, वेलिंकट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो लोकेटेड है मुंबई और बेंगलुरु में। ठीक है, इसकी दो कैंपसेज आती है, एक मुंबई में और एक बेंगलुरु में। और जो भी लोग सी मैट के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो अभी तक सी मैट की एग्ज़ाम हुई नहीं, और जो लोग सी मैट के थ्रू इसको अप्लाई किए हुए हो उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है ये वीडियो में, कि वो लोग इस कॉलेज को मतलब फिल करें या ना करें, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर सभी वीडियो बन रही है। ठीक है, कॉलेज प्रिपरेशन की वीडियोस बन रही है, और कॉलेज रिव्यूज़ जितनी आप लोग कॉलेज लाइक सर्च कर रहे हो, उस सारी कॉलेज की यहाँ पे बन रही है रिव्यूज़। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिक बन रही है। ओके, और ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप की ग्रुप है, इस पर जरूर ज्वाइन होना। टेलीग्राम 1 2 3 सारे ग्रुप्स हैं, BBMBA कॉलेज, CMAT CET, MBA CET, यहाँ पे सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप की भी है। ठीक है, CMAT CET MBA कॉलेज GDPI की भी ग्रुप है यहाँ पे, जो मैंने 2 3 दिन पहले इसको क्रिएट की है। इस पर जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है GDPI की, वेलिंकर की, तो इससे हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, वेलिंगकट बी स्कूल पर ये इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग पढ़ सकते हो, कि कब इस टाइम ये सब आई थी, मतलब वेलिंगकट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसर्च, जो वेलिंगकट से जाना जाता है, जिसको हम लोग वी स्कूल से भी जानते हैं, मुंबई और बैंगलोर में इसकी कैंपस है, और 2 ईयर की इसकी फ्लैक्सिक प्रोग्राम प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। ओके, और मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या ऑफर करती है, PGDM मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ऑपरेशंस, ये चार स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है PGDM, जो सबसे मैं बोलूँ फ्लैगशिप इसका प्रोग्राम जो होता है PGDM मार्केटिंग फाइनेंस HR ऑपरेशंस। उसके बाकी ये जो है PGDMs के ये सात, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ सात। ठीक है, तो ये सब लाइक ये भी है, ये भी ग्रो कर रही है। ठीक है, बट मेनली जो फ्लैगशिप होती है PGDM मार्केटिंग फाइनेंस HR ऑपरेशन, और PGDM ई बिजनेस है, PGDM बिजनेस डिजाइन है, PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है। ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट है, फिर PGDM रूरल मैनेजमेंट है, PGDM रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, और PGDM मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। ठीक है, तो ये सब PGDM मिल सकती है ऑफर। रिटेल मैनेजमेंट भी आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सेल्स की काम है, रिटेल मैनेजमेंट लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब में अप्लाई कर सकते हो, ये सब के लिए जॉब बहुत ऑफर आती है रिटेल की। ठीक है, रूरल मैनेजमेंट हो गया और रिसर्च बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स आजकल बहुत ग्रो कर रही है, ये भी बूम सेक्टर है अभी। ठीक है, ये भी बूम कर रही है अभी, तो इसमें भी आप लोग जरूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली आज हम लोग बात करते हैं सब स्पेशलाइजेशन क्या क्या प्लेसमेंट रही है। ठीक है, अभी जो रिसेंट बैच है उसकी क्या प्लेसमेंट रही है, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये है प्लेसमेंट कि लाइक PGDM जो मार्केटिंग फाइनेंस HR ऑपरेशंस की जो हाईएस्ट गई है वो 24 लाख है, और एवरेज जो गई है वो 12.49 लैक्स है। और जो मैं बात करूँ PGDM ई बिजनेस की, एच हाईएस्ट गई है 20.04 और एवरेज गई है 11.89, और जो PGDM बिजनेस डिजाइन है उसकी हाईएस्ट गई है 22 और एवरेज गई है 12.08। PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट की गई है हाईएस्ट 18 और एवरेज गई है 12.05। PGDM रिटेल मैनेजमेंट की हाईएस्ट गई है 18 और एवरेज गई है 11.69, और PGDM रूरल मैनेजमेंट की हाईएस्ट गई है 24 और एवरेज गई है 12.64, और PGDM रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की है उसकी हाईएस्ट है 22 और एवरेज है 12.61। PGDM मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की हाईएस्ट है 22 और एवरेज है 12.89। तो ये सब आपकी पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट है, जो कि ऑथेंटिक है, जो भी वेबसाइट्स की इसमें मेंशन है, आप लोग गो थ्रू हो सकते हो। और ये जो सबसे फ्लैगशिप कोर्स है मार्केटिंग एंड फाइनेंस HR ऑपरेशन, उसकी सबसे हाईएस्ट गई है 24 और जो हाईएस्ट गई रूरल में गई है। बाकी बिजनेस एनालिटिक्स की भी सही है, 22 है, तो ये सब आप लोग इस पे ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो मैं इसकी फीस की मैं बात करूँ, तो फीस है इसकी 14 लैक्स के अराउंड है, आई थिंक कुछ बड़ा होगा पॉइंट समथिंग, 14 लैक्स इसकी PGDM की फीस है। और मैं बात करूँ MMS की फीस है, जो MMS की है वो 5 लैक्स के अराउंड होती है, जो CET के थ्रू या CMAT के थ्रू आप लोग या कैट के थ्रू आप लोग अप्लाई करते हो, जो कैप राउंड के थ्रू आपको मिलती है वो MMS कोर्स, तो उसकी फीस कम है, 5 लाख के अराउंड है, जो महाराष्ट्र और ऑल ओवर कैंडिडेट, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए सेम है। ठीक है,
और जो इसकी एमएमएस की कट ऑफ जाती है वो 98 to 99 समथिंग रहती है, और इसकी जो पीजीडीएम की कट ऑफ है, पीजीडीएम की कट ऑफ मैं बता दूँ तो 75 to 80 रहती है कैट के थ्रू, ठीक है। सीमेट के थ्रू मैं बात करूँ तो लाइक 85 to 90 के अराउंड रहती है, ठीक है, 85 to 90 के अराउंड रहती है, ठीक है, इसकी कट ऑफ उससे भी कम जा सकती है, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और मैं बात करूँ, देखो वही मुंबई प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो मुंबई प्लेसमेंट तो ऐसा रहा है, हाईएस्ट गई है इसकी 24, और टॉप 50 को जो गई है 17.10 लैक्स गई है, टॉप 100 को 15.6, और 15 14.20 लैक्स टॉप 200 को गई है, और एवरेज सैलरी जो उसकी रही है 12.30। मैं कहता हूँ बेस्ट है, लाइक अगर आप 14 लैक्स की अगर आप फीस पे कर रहे हो, और इसकी आरओआई भी आप लोग लाइक हॉस्टल से मिला के अगर मैं बात बात करूँ तो 70 लैक्स अप्रॉक्स होते हैं, और टॉप 50 में भी रहते हो तो आप 70 to 80 लैक 18 लैक का आप 70 to 18 लैक का पैकेज ले सकते हो। तो लाइक इट नॉट जस्ट लाइक बैड, सो इट इज गुड, ठीक है। सो लाइक इफ यू आर टारगेटिंग दिस कॉलेज, और जो टॉप 100 का है इसका भी सही है 15.60, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ बेंगलुरु कैंपस की, तो इसकी जो मैक्सिमम सैलरी गई है वो 18 गई है, ठीक है, और टॉप 50 गई 11.50, और टॉप 100 की 10.80 गई है, और एवरेज सैलरी जो है इसकी गई है 10.70 लैख। ओके, तो ये रहा बेंगलुरु प्लेसमेंट की, बट मैं बोलूँगा बेंगलुरु से बेटर है आपको मुंबई कैंपस, ठीक है। इसकी मैं नहीं बोलूँगा बेंगलुरु पे कैंपस खराब है, बट इवन लाइक इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम मुंबई लाइक महाराष्ट्र, सो यू कैन ऑप्ट मुंबई कैंपस, बट इफ यू आर समवेयर फ्रॉम एनी अदर सिटी सो यू कैन ऑल्सो टारगेट लाइक बेंगलुरु कैंपस। ओके, दिस कैंपस इज नॉट टू बैड। ओके, तो ये भी है, ये एक प्लेसमेंट रिपोर्ट है बेंगलुरु का, ठीक है। और जो मैं टॉप कंपनीज की मैं बात करूँ वेलिंगकर की जो आती है, एक्सेंचर हो गया, अमेजोन हो गया, डानी ग्रुप, विप्रो, रिलायंस, पिडिलाइट हो गया, मॉर्गन स्टैनली, डेलॉयट, आईसीआईसी, नौकरी डॉट कॉम, EY, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब बहुत टॉप कंपनीज आती है इसमें, फ्लिपकार्ट ये सब हो गया, बहुत से अदर कंपनीज होगी तो ये सब इसमें आती है, लाइक इसमें फेसबुक हो गया, गूगल, ये सब सारी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं बता दूँ गूगल हो गई, फेसबुक, ये सब इसमें आई थी, ठीक है, सारी कंपनीज में आती है, तो आप लोग इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। और मैं अगर बात करूँ कि इसमें GDPAP की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास इनकी फॉर्म भरे हुए हैं सीमेट के थ्रू या फिर अदर एग्जाम्स के थ्रू, तो वो सब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं नीचे व्हाट्सएप की आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मुझे आप करो, ठीक है, DM करो। उसके बाद मैं GDPAP कोर्स क्योंकि मैं लाने वाला हूँ वेलिंकर की, ठीक है, 2 3 दिन में स्टार्ट होगी वेलिंकर की, ठीक है। तो वेलिंकर के लिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए GDPAP कोर्स है, ठीक है, और जितने भी डिटेल्स है मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे जरूर ज्वाइन होना कि हम लोग वहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, वेलिंकर की, क्योंकि वेलिंकर के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर वेलिंकर की क्या है GDPAP कोर्स, ठीक है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक वेलिंकर GDPAP कोर्स, GDPAP प्रोग्राम, सो प्लीज़ ज्वाइन टू आवर कोर्स टू हाउ टू क्रैक वेलिंकर बिजनेस स्कूल GDPAP। और जो हमारी GDPAP की पहले की लाइक रिव्यूज़ है वो सब भी आप लोग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब भी आप लोग पढ़ सकते हो। ये वेलिंकर की मुंबई की एलुमनाई प्लेसमेंट्स है, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट में है लाइक 15% है, ऑपरेशंस में आपकी गई है 14% है, सेल्स में आपकी है 13% है, ह्यूमन रिसोर्स में है आपकी 12% है, इंफॉर्मेशन IT में गई है 8% है, फाइनेंस में है आपको 6% है, मार्केटिंग में आपको 6% है, और अदर्स में है आपको 26%। तो बिजनेस डेवलपमेंट इसकी आप लोग देख सकते हो सबसे ज़्यादा है, अदर्स में भी है, तो हर एक डाइवर्सिटी में अगर मैं देखूँ तो सही है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, अच्छा पैकेज भी प्रोवाइड कर रही है ये कॉलेज, तो यू कैन टारगेट दिस कॉलेज। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ हमारी कुछ रिव्यूज़ की, तो आप लोग पढ़ सकते हो, हमारी प्रीवियस GDPAP की कोर्स थी, तो ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया था, तो इसमें से कुछ है और कुछ वेट लिस्टेड है अभी, तो मैं उसके भी यहाँ पे आपको सबके रिव्यूज़ आती रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है, और हमारी ग्रुप्स पे भी आती रहेंगी ताकि आप लोग देखो, ठीक है। और जो भी लोग GDPAP से कोर्स रिलेटेड वेलिंगकर की बात करने वाले हैं ये मुझे व्हाट्सएप के कर सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू मैंने लिंक दे दिया हूँ, नंबर नीचे दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें जरूर ज्वाइन कॉन्टैक्ट करो आप मुझे,
मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता दूँ कब से कोर्स स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और जो भी लोग वेलिंग का टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर GDPI प्रिपरेशन इंटरव्यू, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।